धन्यवाद यार, पता क्या करते हैं अच्छे दिन के लिए। पता यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं आपके साथ हमेशा, पता आपके पास आते हैं फिर आपको हमेशा कि जितने भी बीमारी दूर करती है सबके साथ सब कुछ होता है आपका, सब को आशीष देना पता हमेशा क्या मानिए मानने से पहले जो आपके पास के शीशे के नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आराधना शुरू करते हैं, खड़े हो जाइए। Yeah, yeah, yeah.
उसकी महिमा बताए आज कला को
मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की
Yeah.
It's not a choice.
मुझे उसी उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
नया बन पाएंगे मौजूद है यहाँ वो 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 मौजूद है यहाँ कोई भी भजन होता है कोई भी संगीत होता है अगर आप लोग ताली नहीं बजाते हैं तो समझ लो कि आपको शैतान ने पकड़ रखा है। ताली जब हम बजाते हैं तो हमारे शरीर में से शैतान भागता है, तमाम बीमारियां भागती हैं, लड़ाई झगड़े की आत्मा भागती है, क्योंकि शैतान के थप्पड़ लगते हैं। शैतान सोचता है कि अब मैं कौन सी जगह आ गया, फिर वो भाग जाए। और जो भी भजन होते हैं जो आपके मौजूद होती है और हम जुम्बिस के साथ जाए और जब आप टच करते हो हर बीमारी को तकलीफ जो भी उनकी समस्या दूर हो जाए। जो भी भजन गाता हूँ आप मेरा साइड का मदद करना और हम घटे और आप नाम से जब आएगा घर दूध हल जाएगा डर पानी का नक्शा बदल जाएगा और पूरा होगा लिखा कब कला में खुदा पूरा होगा कर कब कला में खुदा कौन कहता ये बाबा चल जाएगा पद्म जिस पे बाबाओं का है बेसहारों से जो दिल से गदरता उसके दर पे जो दिल से झुकाओगे सर उसके दर पे जो दिल से झुकाओगे सर जिंदगानी का नक्शा बदल जाएगा उसके दर पे जो दिल से झुकाओगे सर जो भी तौबा न करेंगे बुरे काम करने वाले जो भी तौबा न करेंगे बुरे काम करने वाले हैं पहाड़ों हम पर गिर पड़ो हम मरने वाले सारी दुनिया दुनिया रे सारी दुनिया दुनिया रे सारी दुनिया दुनिया रे सारी दुनिया खुदा के आगे झूम रही है सारी दुनिया खुदा के आगे झूम रही है वो देखो मसीहा के कदम झूम रही है।
जहाँ हम जिंदगी वो देगा तुम्हें जहाँ हम जिंदगी वो देगा तुम्हें गम दराज तुम्हारा बह जाएगा रहा हम जिंदगी वो देगा तुम्हें गम दराज देगा तुम्हें जहाँ हमको जिंदगी वो बन जाएगा। इन बुतों की मोहब्बत में रखा है क्या मुझसे पूछो तो यह बड़े बेवफा। बुतों की एक बुत वो होती है जो दीवार पर टंगी रहती है, ना वो चलती है ना फिरती है ना बोलती है ना कोई उसके जज्बात नहीं होते। और एक भूत वो भी होती है जो चलती है फिरती है उसके कुछ जज्बात होते हैं मगर समझदारों को इशारा काफी। इन भूतों की मोहब्बत में रखा है क्या मुझसे पूछो तो ये है बड़े बेवफा बेवफा। तुमको दिल से भुला देंगे ये मतलब ही तुमको दिल से भुला देंगे ये मतलब ही इनका जब तुमसे मतलब निकल जाएगा। तुमको दिल से भुला देंगे ये मतलब ही इनका जब तुमसे मतलब निकल जाएगा। तुमको दिल से भुला देंगे ये मतलब ही इनका जब तुमसे मतलब निकल जाएगा। तुमको दिल से भुला देंगे ये मतलब ही इनका जब तुमसे मतलब निकल जाएगा। हमसे तो एक बच्चा भी पाला न जाएगा। हर सवाल खुद अपना जवाब होता है बुराइयों का नतीजा खराब होता है। जो बुरा करता है सजा उसको भी मिलती है हर जंगम के साथ फौरन दवा भी मिलती है। हर खाक के पुतले को खाक होना है बदी को हाथ नेकी को हलाक होना है। बदी की तेरी किस्मत बदल नहीं सकती खुदा के सामने बंदों की चल नहीं सकती। खुदा वो है जो सारा रोग भूल करता है जमाना उसकी शिकायत भी दूर करता है। इसीलिए हम तो कुछ भी नहीं है सिर्फ हम कठपुतली है और हमारे धागा उस खुदा क्या है कैसे सुनिए। अजी हम तो कठपुतली हैं हम तो कठपुतली हैं खुदा के हम तो कठपुतली हैं खुदा के पुतली हैं खुदा के हम तो कठपुतली हैं हम तो कठपुतली हैं आगे खुदा के चाहता है वो कैसा होता है हमारे चाहता है वो कैसा अब से हुआ पैदा है बदल ये इंसान अब
इसलिए ताली से नहीं भजन से, जब हम भजन गाते तभी तो हमें सब कुछ होता है, चाहे कितनी भी बड़ी गलती भी ना हो हमें समा गए। धन्यवाद करती हूँ, आपने चंगाई दे दी,
क्योंकि आप कहते हैं जो मांगा है विश्वास करो मिल गया। हाँ प्रभु, मेरे पिता वो कोई संसारी ऐसे इंसान नहीं, संसार के मामूली, वो तेरे दास है और तू उनको मेरे पिता फिर संभालेगा। तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे दिल से खुदावन। दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जगह तेरी दुआएं हो रही है, चर्च है और सभाएं लग रही है जगह जगह, कोई भी ऐसा नहीं मेरे पिता जो तेरा नाम ना लेता हो मेरे प्रभु। हर एक के साथ होना मेरे खुदावन, और मेरे पिता जितने लोग हैं कलीसियाएं हैं जगह जगह, और मेरे पिता तेरे दास लोग उनका परिवार खुदावन, मेरे पिता उनके साथ होना खुदावन, सहायता और मदद करना अपने दासों के दास के परिवार के लिए खुदावन, उनको मेरे पिता ताकत कुवत देना, और जितने लोग परेशान उनकी कलीसियाओं में सबको मेरे पिता परमेश्वर छुटकारा दे, क्योंकि छुटकारा सिर्फ आपके पास, आपके पास छुटकारा है, और आपका जिसने नाम लिया सुन लिया तहे दिल से खुदावन, तो मेरे पिता उसने छुटकारा पाया, क्योंकि तेरा नाम ही जुबान पे लिया हुआ मेरे पिता सुना हुआ वही मेरे पिता अपना जीवन बदलता है। तेरे पास बहुत दाई से जीवन है जो तू देता है, तू कहता है संतानों को मेरे पास चले आओ, क्योंकि सारे लोग आपके हैं और आप जीवन देते हैं। तेरा मैं धन्यवाद करते हैं, जितने कॉल्स आते हैं सबके पास हमारे सबको छुटकारे दिए हैं तूने, जीवन संभाले हैं खुदावन। यहाँ पर भी जितने लोग आए हैं, नहीं आए हैं, आ रहे हैं या बीच में हैं या रुक गए, तो उनके साथ होना, क्योंकि मेरे पिता जब तूने बहुत कुछ दे दिया लोगों को तो वो हट गए, जब तक उनको चाहिए था तो वो तेरे दर पे आते रहे, लेकिन मैं क्षमा मांगूंगी उनके लिए, उनको माफ करें ताकि उन पर कोई दिक्कत ना आए, वो अभी तेरा प्रेम जानते लेकिन तेरा क्रोध नहीं जानते खुदावन, तेरा क्रोध किसी पे ना पड़े, और मेरे पिता उनको संभाले ताकि बैरी उनको छूने ना पाए। दुआ करते हैं खुदावन गली मोहल्ले के लिए, हमारे देश के लिए, दुनिया देश के लिए, शांति बना के रखना, प्रेम बना के रखना मेरे पिता। दुआ करते हैं खुदावन जवान बेटी बेटों के लिए, और मेरे पिता बड़े और बूढ़ों के लिए भी, हर एक के लिए जो शैतान बहकाता है, तरह तरह की बातें उनकी जिंदगी में आती हैं, खुदावन उनको बचा के रखे। मेरे पिता बहुत कॉल आते हैं क्योंकि तरह तरह की परेशानियां हैं, जो तेरे करीब आए हैं तो उनको छुटकारा दे। तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता गीतों के लिए भी, और मेरे पिता परमेश्वर वाक्य में प्रभु हम तेरे लिए गीत गाते हैं, उसके साथ ताली बजाते हैं तो तू आशीष देता है। इसी तरह से जो लोग हाथ मिलाते हैं वो बेकार है, क्योंकि जय मसीह की बोलना बहुत जरूरी है, जय मसीह की बोलना ही हमारा छुटकारा है। तो मेरे पिता हम दुआ करते हैं मेरे खुदावन अस्पतालों के लिए, बीमारों के लिए, गरीबों के लिए, जो भी मेरे पिता बीमार हैं भले चंगे कर और उनका बिस्तर उलट जो तुझे नहीं जानते हैं, ये उनके लिए प्रार्थना है मेरे पिता, उनका बिस्तर उलट और खुदावन एक मौका दे ताकि वो तेरे नाम को जाने। दुआ करते हैं सारे गीतों के लिए तेरे दास राजू मसीह ने गाए हैं, और मेरे पिता परमेश्वर ग्रहण योग्य हो, जब तेरे दास कोई भी दुआ करते हैं वचन निकालते हैं तो मेरे पिता ग्रहण योग्य हो, जब तेरे बच्चों ने गीत गाए प्रभु और आगे बढ़ा मेरे पिता, हंसना हम जाए कर खुदावन, और मेरे पिता तेरे नाम को आगे बढ़ाने वाले बच्चे बने, तेरा मैं धन्यवाद करते हैं। और खुदावन फिर एक बार कलीसिया के लिए मेरे पिता नीचे से ऊपर बाड़ा लगाते हैं, और जितने लोग नहीं आए उनको संभालना खुदावन, मौके देना के लिए तो मौके देता है, जो बीमार है उनको मेरे पिता चंगाई देना हर तरह से मेरे खुदावन, शीघ्र उनका जल्दी से जल्दी बिस्तर उलट तेरी गवाही बने, और तेरे नाम के धन्यवाद देते हैं तुम्हें चंगाई दी। हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे पिता वचन के लिए, आप जो बातचीत करें वो खोले मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, जैसे प्रभु दास जी ने प्रार्थना करी एक वचन के लिए, और पास्टर रोबिन मसीह जो मेरे छोटे भाई हैं बीमार हैं उनके लिए, एक और जो सुबेरे खबर आई है और वो एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके पेट में पानी भर जाता है, उनके लिए प्रार्थना करें। आप लोग भी प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना से चंगाई मिलती है, और प्रभु की दासी फिर दोबारा प्रार्थना करेंगे दोनों के लिए। आंखें बंद करें, एक एम्स में है जो कि बुरी हालत है, जो यहाँ बेटी आती थी सोनम उसके कोई रिश्तेदारी है, उसके लिए एम्स में है दोनों के लिए। दो बार सुनो उनका चेहरा दिखा मुझे दुआ कर, लेकिन मेरी जुबान से नहीं निकला उनका नाम, ना जाने क्यों। हाँ प्रभु, वही बात तूने अपने दास के अंदर से कहला दी, मैं बहुत हैरान हूँ, तेरा धन्यवाद करते इस बात के लिए। प्रभु दुआ करते हैं मेरे पिता उनके जो भाई हैं उनके पिता के लिए, उनको चंगाई दे खुदावन, डॉक्टर अस्पताल कितने बढ़िया हो, नहीं आप मेरे पिता चंगाई देने वाले हैं, आप जीवन देने वाले हैं, तो मेरे पिता उनका इलाज अच्छा हो प्रभु, सामर्थ्य डॉक्टरों के हाथ में, और मेरे पिता उनको चंगाई दे, जो भी उनको तकलीफ आई वो चली जाए खुदावन यीशु मसीह के नाम से, और उनकी भी एक गवाही बने और वो भले चंगे हो जाए। यस लॉर्ड, धन्यवाद तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ, भले चंगे होकर वो घर पे आए प्रभु, बल्कि तेरे भवन में आए जिस तरह मैंने बोला है, तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनको चंगाई देना, और मेरे पिता तेरे नाम की तारीफ और गवाही हो जाए, मांगते यीशु के नाम। धन्यवाद करते हैं जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, है कि हम तेरे शुक्र गुजार हैं कि तूने हमें जिंदों की दुनिया में सही सलामत रखा, आज का दिन और हमें तूने दिखाया, तय दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं। ये जितने भी बच्चे तेरे आए हैं, बहन बेटी आई हुई थी अल्पिता, रोते हुए परेशान हताश नाना प्रकार की बीमारियों से, ग्रस्त लड़ाई झगड़े की आत्मा से, तमाम परेशानियों से, क्योंकि परेशानी सिर्फ आप दूर करते हैं, आज इनकी परेशानियां दूर हो जाए, यीशु के नाम की जय। और अल्पिता बोले और बातचीत करें, जो वचन दिए जाते हैं वो उनके दिल में हृदय रूपी पट्टिया पे लिखे जाए, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जो है तरस खाते हैं यीशु मसीह, दुनिया में कोई और नहीं है इंसान, ना कोई है ना कोई आएगा जो तरस खाएगा, सिर्फ यीशु मसीह है जो अपने बच्चों पे तरस खाते हैं। किस पर? आप लोगों पर, हम पर तरस खाते हैं। आइए एक वचन देखेंगे, मत्ती के अंजील उसका 9 बाब उसकी 35 और 36 आयत पढ़ेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल खुद कहती है, प्रभु यीशु मसीह तरस खाते हैं। अभी बहन ये मिसिस लंदन जो बैठी है, प्रभु यीशु मसीह 5 साल से आ रही है, ये बिहार से है, और इनके ऊपर बहुत बुरी बीमारी थी, और 5 साल हो गए, किसने ठीक किया? भारती बताएगी, इनकी बेटी बताएगी, किसने ठीक किया? भारती का वहीं से खड़े होके, कितने साल से? सबको जय मसीह की, हमको यहाँ पे 6 साल हो गया है, और मेरी मम्मी को नहीं, मेरे पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। हालेलुया, क्या बात है, तो ये गवाही है। यहाँ बहुतों को, यहाँ पर गोपाल भी बैठे जो कि शराब छूटी है, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से हमें सारी खुशियां मिलती है, लेकिन क्या होता है, हम पीछे हट जाते हैं, हम वो तरस खाने वाला मत्ती के अंजील और उसका 9 बाब उसकी 35-36 आयत 15 पेज में, यह लिखा है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके राजधानियों में उपदेश करता
और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। यीशु मसीह को तरस आया, तो यीशु मसीह सब पर तरस करते हैं, हमें भी, हम पर भी तरस करा। अगर वो हम पर तरस नहीं करते तो आज हम यहाँ नहीं होते। जब हम चर्च नहीं जाते थे, सरकारी नौकरी थी, मैं बहुत पीछे था, बहुत लोगों ने मुझे कहा, मैंने नहीं माना किसी को, ऐसी मेरा 14 लाख रुपया खर्च नहीं हुआ मेरे चीजों, बहुत लोगों ने कहा। जब मैंने नहीं माने तो मैं निचोड़ गया। बीमारियां तमाम मुसीबतें थी, प्रभु से दूर रहकर मुसीबतें थी, और जब प्रभु के पास घुटने टेके, जब सारे रास्ते बंद हो गए मेरे सारे रास्ते, तो क्या हुआ, घुटने टेक दिए मैंने प्रभु के आगे और प्रभु ने मुझे निकाल लिया कीचड़ से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तरस खाने वाला खुदा है, वो तरस खाता है, वो ऐसी नहीं है। एक बहन थी, वो कैसे तरस खाता है, वो कहीं ना कहीं से कोई जरिया बनाता है कि आपको ठीक करना तो किसी को भेजेगा, या बस में कोई लिटरेचर मिल जाएगा, या कहीं ना कहीं से जवाब मिल जाएगा। लेकिन जो हठीली आत्मा होती है उनका कोई भी कुछ नहीं हो सकता। जो इस कान से सुनती है इस कान से निकाल देती है, उसका नहीं हो सकता। तो वहां पर एक बहन छोटे से कमरे में रहती थी, एक नौकरी करती थी, वहां पर सफाई करती थी, उसे मेन साहब ने उसे छोटा कमरा दे दिया था, वहां वो रहती थी। उसके एक लड़की थी 12 साल की, वो 8वीं में पढ़ती थी। उसका पति शराब पीता था और झगड़े होते थे पति पर, बहुत ज्यादा झगड़े, और शराब पी के वो मारता था और उससे वो पैसा ले लेता था। वो क्या करती थी, नौकरी करती थी, लेकिन मेन साहब ने उसे थोड़ी जगह दे रखी थी बाहर गेट पे, ठेली लगाती थी, ठेली के ऊपर वो पकौड़े बेचती थी, और पकौड़े कितने, सिर्फ आधा किलो बेसन के पकौड़े बेचती थी, उससे अपना गुजारा करती थी। ये हकीकत है, कहानी नहीं है मेरे जीजों, मैं इसलिए सुनाता हूँ कि आपकी जिंदगी में भी खुशियाँ आ जाए। जो मुसीबत उसने देखी, आप लोग कोई मुसीबतें ना देखे, आपके घर से लड़ाई झगड़ा बीमारी क्लेश दुनिया की हर वो शैतानी हर वक्त दूर हो जाए, कब, जब आप लोग प्रभु के पास आए। और नहीं आएंगे, नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। अरे वो अमित नहीं आए, अलीगढ़ चले गए, वही मैं देख रहा हूं। ऐसी खुदा दिखाता है मुझे, जब कहीं कुछ मिलना होता ना किसी को, तो वो उस दिन नहीं आता। आज बहुत लोगों को मिलना था तो वो लोग नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर है देने वाला। कब दे दे, झगड़िया को कब दिया, अब इस बहन को कब दिया, देखो सुनो कैसे दिया, जब इसका सब कुछ लूट गया, जब इसे मिला, तो वो कहने लगा जी बहुत परेशान। अब वो पकौड़े बेचती थी, और बच्चों वो गले से ही पैसे ले जाता था, शराब पीता था, उसे मारता था, परेशान थी वो। लेकिन वो उसकी बहन चल जाती थी, तो वो परमेश्वर ताल्लुक रखता है, तार से तार जुड़ जाता है। अगर कनेक्शन ना हो तो ये लाइट ही नहीं जलेगी, है कि नहीं। ये चंगाई जो हिंदुस्तान पूरा संसार चल रहा है, कहीं ना कहीं परमेश्वर से संपर्क है जिन लोगों का, उनके जो तार है आप लोगों हम में भी मिले हुए, तभी ये संसार से है। नहीं तो अगर तार नहीं मिले ना ऊपर वाले से, तो यहाँ ठेके ठेके पे तार हो जाए तो लोग सारे बर्बाद हो जाए। हर घर में पत्नियां जल जाए, हर बच्चे जल जाए, क्योंकि उससे संपर्क नहीं होगा फिर। इसलिए उससे संपर्क है, उससे रिश्ता है, तभी लोग ये पूरा संसार बचा हुआ, नहीं तो अदरवाइज नहीं बचता। अभी देखो कितनी बीमारी आई थी, कितने लोग मर गए, जो दूर है तो मर गए। अब क्या हुआ, वो बहन उसको टेलीफोन करती है कि बहन मैं तो बहुत परेशान हूँ, तेरा जीजू, मतलब सहेली थी वो, जीजू ही कहती है उसको, कह रहे वो जो है उसको मारता है, मेरे को मारता है। कह रहे बहन मैंने तुझसे कई बार कहा, तू यीशु के दरबार चली जा, छोड़ दे सारी चीज, जो मेरे को खुशी दे सकता है वो तेरे को भी खुशी दे सकता है। जो मेरा लड़ाई झगड़ा था
परमेश्वर के भवन में गई तो उसने मेल करा दिया, वो तेरा भी मेल करा सकता है, तेरे पति की भी शराब छुड़ा सकता है। जैसे भाई गोपाल जी 4 महीने हुए, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, बिल्कुल जड़ से शराब चली गई। वो है खुदा, नहीं तो जब ये वहां थे, इनकी मिसी ये बैठी है, इनकी मम्मी ये बैठी है, इन्होंने बस सिर्फ खुदा के ऊपर भरोसा रख लिया। जब खुदा पे भरोसा रखते हैं यीशु मसीह पर, तो वो दुश्मन जो शैतान है भाग जाता है। अब क्या हुआ, वो बहन तू ऐसी कहती रहती है, अभी मैंने आज शुक्रवार का व्रत रखा है और अभी मैंने धूप बत्ती जलाई है, क्या बहन मैं अब भी कह रही हूँ तू खुदा यीशु मसीह के दरबार चली जा तो तेरे घर में शांति आ जाएगी, तेरे घर में आजादी आ जाएगी। नहीं मानी, जब नहीं मानी तो वो और परेशान होती चली गई। कितनी दफा उसने कॉल करी, वो गई नहीं यीशु मसीह के भवन में। यहां तक उसका क्या हुआ, उसका पति फिर बीमार हो गया। जब उसका पति बीमार हुआ, क्योंकि परमेश्वर तरस खा रहा है, उसके दिमाग में नहीं आ रहा कि मैं परमेश्वर के भवन जाऊं और मेरे आशीष बरकत आ जाए। एक बार ये बेटी बैठी है मिथिलेश, ये भी प्रभु के पास एक तो भाई ने और उसके बाद जीवन बदल गया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, क्या बात है, इनके घर में भी पूरा परिवार खानदानी मसीह को मानने लगा है ना। हालेलुया क्या बात है, कुछ दिया प्रभु ने, कुछ लिया शांति दे दी है कि नहीं है। तो ये है, अब क्या हुआ, वो बहन जो थी कोई टेलीफोन करती है, वो यही कहती है, बार बार यही कहती है तू वहां चली जा। वो कहते तू मेरे को क्यों कहती है, वो सोची थी ये मेरे को कहे किसी भगत के पे चली जा, किसी तांत्रिक पे चली जा, लेकिन उसके पास कोई तांत्रिक नहीं था। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास कोई तांत्रिक नहीं होगा। हालेलुया, उसके पास कोई, क्योंकि यीशु मसीह को मानने वाले पर कोई जादू नहीं चल सकता, कोई मंत्र नहीं चल सकता, क्योंकि वो ढाल है आप लोगों की। हालेलुया। अब उसके बाद क्या हुआ, पति बीमार हो गया, हॉस्पिटल में चला गया, डॉक्टर ने कैंसर बता दिया, फिर वो टेलीफोन करती है कि बहन तू अभी भी यीशु के भवन चली जा, तेरे पास ही तो है हैदराबाद में, ये हैदराबाद की वो है गवाही, कह रहे देख हैदराबाद में है, तू जाके माफी मांग ले खुदा से, प्रार्थना कर ले तेरा पति बच जाएगा। कह रहे बहन बस बस कर, तू मुझे यही शिक्षा देती है, मुझे ये शिक्षा नहीं सुननी। और उसके बाद क्या हुआ, उसने अपने पापा को बुला लिया, पापा भी बीमार, पापा भी हॉस्पिटल में, उधर स्कूल में बेटी थी, स्कूल जब बेटी गई ऊपर से गिर पड़ी, वो ऊपर से गिर गई, उसकी भी हालत खराब हो गई, सर में चोट आ गई, वो भी दूसरे हॉस्पिटल में चली गई दिमाग वाले में, वो भी आईसीयू में, पापा भी बीमार, पत्नी पति भी बीमार। फिर ये कहती है बहन बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, बहन तू जाके प्रार्थना कर ले सब ठीक हो जाएगा। कह रहे बहन तू मुझसे प्रार्थना की मत कहा कर, मैं नहीं सुनती तेरी बात। अब क्या हुआ, पति गुजर गया, जब पति गुजर गया उसका, जब पति गुजर गया तो बड़ा दुख हुआ और रोना धोना हो गया, उसको ले जाके जला दिया गया। उधर से पापा भी हॉस्पिटल में, बेटी 12 साल की हॉस्पिटल में, 2 महीने हो गए थे, न कुछ खा रही है न कुछ पी रही है, बेहोश है, बोल नहीं रही, डॉक्टरों से भी जवाब दे दिया कि इसे ले जाओ। मैं क्यों सुनाता हूँ ये आप लोगों को, आप लोग ध्यान दें, आप लोग ये जाने कि वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ये कर सकते हैं। मुझे चाहिए आप हरे भरे हैं तो मैं भी हरा भरा हूँ। हालेलुया, अगर आपके घर में खुशियां हैं तो मेरे घर में ऑटोमेटिक खुशियां आ जाएंगी। मुझे ये नहीं कि आप लोग आओ भीड़ लगा लूं और आप लोग खुश नहीं हो और मैं खुश हूं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। खुदा से मैं मांगता हूं कि आपके घर में खुशियां हो। अब क्या हुआ, वो बहन जब उसे जला गया है, फिर वो हो गया, उसकी बहन सब भी उससे नाराज हो गई, उसने क्या करा, उसका कमरा वो भी छीन लिया और उसे छोटा सा कमरा दे दिया। अब इतनी मुसीबत के बाद इतनी कॉल आ रही है कि तू यीशु के भवन चली जा, नहीं गई, अब हालत खराब हो गई। अब क्या हुआ उसका, उसने कहा कि बहन अब तो मेरी मुसीबतें आ गई। अब वो हॉस्पिटल से जब लड़की को हॉस्पिटल गई तो हॉस्पिटल वालों ने लड़की को जवाब दे दिया कि ये नहीं बची, क्योंकि ये बोली नहीं रही, खाई नहीं रही, इसको हमने ट्रीटमेंट कर दिया, अब इसका सिर्फ 1 हफ्ते तक है,
तभी है रहेगी, अदरवाइज नहीं है, इसका कोई बचने का उपाय नहीं है। अब वो लड़की को घर ले आई, मेन साहब ने कमरा ले लिया, उसे एक झोपड़ी दे दी जहाँ गमले रखते हैं, पूरी मुसीबत से टूट गई। यीशु मसीह के पास कौन जाता है? मुसीबत जाता। जो सारे मुसीबत होती है, यीशु मसीह मुसीबत, आपकी मुसीबत, हमारी मुसीबत, हमारी भी मुसीबत यीशु मसीह ने ले ली। वो मारे गए, गाड़े गए मुर्दों में से, तीसरे दिन जिंदा हुए। अरे जो जिंदा हुए तो सुनेगा, हालेलुया, जो मरा वो कैसे सुने? अब क्या हुआ? अब वो आ गई, संडे का दिन, मकान भी छीन लिया, वो जो काम भी नहीं कर रही थी, इसलिए मेन साहब ने हटा दिया मकान। वो लड़की को, 12 साल की लड़की, सफेद चंदर में लपेट, और कहाँ चल रही वो, क्या करना है उसको, आखिर में है क्या उसके पास, कोई है ऑप्शन? काम भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, कोई वो भी नहीं है, पापा हॉस्पिटल में, सर पे पगड़ी भी नहीं है, अब क्या करेगी वो, क्या है उसके पास? सिर्फ आत्महत्या। उसने वो घर नहीं चुना जो उसकी बहन कह रही थी, और जानती है मेरी सहेली हरी भरी है, यीशु मसीह ने उसे चंगाई दे दी, पति पत्नी में प्रेम दे दिया, औलाद दे दी, खुशियां दे दी, फिर भी उसकी आंखों में नहीं था कि मैं यीशु के दरबार चली जाऊं। अब वो उठी, बच्ची को कंधे पर रख और दरवाजे को ऐसे छोड़ घर को, और चल दी आत्महत्या करने, आत्महत्या करने चल दी। जब वो आत्महत्या करने चल दी, उसे याद आ गया, फिर उसकी सहेली की आवाज याद आ गई, कहने मेरी जो सहेली है वो कहती थी कि तू यीशु के दर भवन चली जा, तू इतने दिन से मुसीबत में है, तू इतनी परेशानी में है। हम लोग भी बहुतों को बताते हैं, बहुत से लोग हैं, अभी एक नई फैमिली आई थी पिछले संडे को, नहीं जी अब हर संडे आएंगे, आज वो कहीं और चले गए। एक और आते थे जो शालीमार बाग से आते थे, वो भी कहते थे कि हम जरूर आएंगे, हमें कुछ नहीं, हमें भीड़ नहीं, हमें चार जन है, हमें अपनी प्रार्थना करनी है। मैंने शुरू से लेकर अपने परिवार की प्रार्थना करी है, हम छह जने हैं, हम बल्कि चार और आ जाते हैं, मेरे बेटी दमाद, हम 10 जने भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए यूं करते हैं कि आप लोगों को चंगाई मिले। हालेलुया। अब क्या हुआ, उसे याद आया, कहने लगे मेरे को मेरी सहेली ने कहा था चर्च चली जा, वो चर्च में मुड़ गई। कब? जब लड़की जवाब दे, लड़की को भी जवाब दे दिया डॉक्टर ने, पति भी चला गया, काम भी चला गया, उसने कहा मैं आखिरी दफा तो अब मरने तो जा ही रही हूं, मैं एक दफा मैं यहां चली जाऊं, और यह इलाके लड़की को ऐसे लिटा दिया। पास्टर फ्लोरी मसीह, पास्टर विल्सन मसीह जैसे प्रार्थना करते हैं वहां, वैसे पास्टर सतीश कुमार वहां भजन आता है, जब हम भजन गाते जो संगीत गाए, ये ऐसे नहीं गाते आप लोगों को खुश करने के लिए, ये संगीत क्यों गाए जाते हैं कोई बता सकता है क्यों गाए जाते हैं? रोशन बताएगा क्यों गाए जाते हैं संगीत, जो गाते हैं हम क्यों गाते हैं? हालेलुया, पवित्र आत्मा आती है और आपके दुख ले जाती है, इसलिए भजन गाते हैं। अब क्या हुआ, वो जैसे वो भजन हो रहे थे खूब, और वो लड़की को लिटा दिया था, वो यहाँ खड़ी थी और भजन हो रहे थे, जब जैसे भजन खत्म हुआ, पास्टर साहब ने कहा ये भजन किसको अच्छा लगा? सबसे पहले जो मरी हुई लड़की थी उसने हाथ खड़ा कर दिया, कहे मुझे अच्छा लगा, तालियां बज गई, मुर्दा जिंदा हो गई, किसके पास आने से, कहां वो मुंह मोड़ रही थी, उसकी मुसीबत चली गई। उन्होंने कहा मैंने बड़ी भारी गलती करी जो मैं प्रभु के भवन नहीं गई, क्या मेरे नजदीक होते थे, हैदराबाद में वही रहती थी, और उसकी हालत खराब, और प्रभु ने क्या करा, उसको तुरंत चंगाई दी। लड़की को जब चंगाई मिल गई, वो एहसास करने लगी कि मेरे से गलती हुई, आज मेरा पति भी नहीं था, अगर मैं पहले आ जाती तो जो मैं नुकसान को इतना कराया मैंने वो नहीं जाता। अब आशीष शुरू हो गई, कहां जाने से, भवन में आने से आशीष शुरू होती है। आप सोचते हैं भवन में जाने से आपको कष्ट होता है, भवन में आने से आप लोगों को आशीष बरकत मिलती है, भवन में आने से कष्ट नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं भवन में जाएंगे यार कष्ट, सुबह जल्दी जाएंगे यार क्या करेंगे जाके, एक घंटा बैठना पड़ेगा, दो घंटे, अरे तुमने चार घंटे भी दे दिए प्रभु को संडे वाले दिन, तो उसकी चार घंटे की आशीष चौगुनी आपके पास, 16 गुना आशीष आपके पास आ जाएगी। अब वो चर्च छुटा, हमने पास्टर से बात करी, कह रहे मैं कैसे यीशु मसीह को मानूं, मुझे बाइबल चाहिए। एक ही दिन में, एक ही क्षण में उसका मन बदल गया, मन परिवर्तन हो गया। जैसे मन परिवर्तन हुआ, उसने कहा आज मेरी आंखें खुली है, अभी तक मेरी आंखें बंद थी, जो मैं ठोकर खा रही थी,
और वो घर आई तो घर पे मैन साहब खड़ी है बाहर गेट पे, अरे कहां चली गई थी तू, ले तेरे को बड़ा कमरा दे दिया, मुसीबत आई है छोटा कमरा, झोपड़ी थी बड़ा कमरा, ये ले 1000 रुपए और पकौड़े बेचने लगी। पापा की भी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, वो भी ठीक होके आ गए, पकौड़े बेचने बेचते हैदराबाद में फ्लैट खरीद लिया। क्या बात है, यीशु मसीह के भवन में जाने से हैदराबाद में मकान तक। वो तरस खाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, यानी कहें वो तरस खाने वाला है। इसलिए मेरे चीजों हम कहीं भी रुपए बालाजी वैल्यू देगी और तुम्हारे कलियर शरीफ अजमेर दुनिया में मैं घूम आया, लेकिन किसी ने तरस, जो होगा तो तरस खाएगा, जो है ही नहीं वो तरस कैसे खाएगा, है कि नहीं। जिसके पास गया मैं उसका गया, मैं बालाजी गया तो बालाजी से सीडी लिया है, मेरी लड़की पे जिन बीमार वो नहीं निकल रहा था, वहां से लाके सीटियां बजा रहा हूँ, खूब घर में बज रही है, लेकिन जो जिंदा है उसे मैंने नाराज कर दिया, उसे मैंने नाराज कर दिया और तबीयत खराब हो गई। किसी ने कह दिया कलियर शरीफ चले जाओ, मोहम्मद वो है दरगाह है, उसकी सीढ़ी लाके घर में फिर बजाने लगा, उसे हटाया। ऐसे मैंने 14 लाख रुपए खर्च कर दिए और जब मैं यीशु मसीह के आगे घुटने टेके उसकी तरह, तो मैं हैरान हो गया, वो जिंदा वो भाग गया, घर में आजादी आ गई है मेरे जीजों, और कोई हमें वो नहीं है। भाई तो जानते पुराने, उनके साथ भी मैं कई जगह गया हूँ मेरे जीजों, इसलिए मैंने कोई घर नहीं छोड़ा, लेकिन घर में शांति नहीं आई और आज पूरा परिवार शांति का राज है। हम उसकी संतानें यीशु मसीह के जो माफ कर देती है। अब उस बहन को ने क्या करा, पकौड़े बेचते फ्लैट कर लिया, गांव में 500 गज और जमीन खरीदी, उसके पापा उसके पकौड़े इतने बिगड़े लगे तो उसे फिर काम की भी जरूरत नहीं हुई, आज भी वो काम करती है, लेकिन यीशु मसीह का काम करती है, चर्च में काम करती है, अब कोठियों में काम नहीं करती मेरे जी, तो वो है यीशु मसीह, जिंदगी बदलने वाला यीशु मसीह है। वो कहता फरक कर दे यहोवा कैसा बना है, चेक कर दे यहोवा कैसा बना है मेरे जीजों, देखो तरस खाने वाला कैसे तरस खाता है। आइए हम देखेंगे लूका एंजल उसका साथ बा निकल बैठ। ये मैंने हैदराबाद की हकीकत है, ये अब एक और सुनाते हैं। आज वो नरेश और उनकी दोनों यहाँ पर यीशु मसीह कैसे तरस खाते हैं। थोड़े दिन के बाद नाइन नामक के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे और ले जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। यहाँ पर वो विधवा है, उसका बेटा मर गया और लोग ले जा रहे हैं, लेकिन वहां से यीशु मसीह जा रहे हैं, ये बाइबल का है। जब वो यीशु मसीह जा रहे हैं तो किस पे तरस खाया यीशु मसीह ने, यहाँ पर देखो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब मैं मुर्दा उठ बैठा है, हालेलुया। क्या बात है प्रभु की, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं मेरे जीजों। ये बाइबल है, आप कहेंगे 2000 साल पहले की है, वो आज भी काम करते हैं। अभी हम गुरदासपुर वहां गए थे लुधियाना, वही बहन उसी चर्च की गवाही है। एक बहन का एक वो भाई था जिसे एक्सरे में पैर में बहुत दर्द था, बहुत ज्यादा दर्द था पंजे में। जब उसने एक्सरे कराया गया तो उसमें इतना बड़ा कीड़ा आया एक्सरे में, पैर में कीड़ा दिखा डॉक्टरों को।
कीड़ा चल रहा है, बहुत चल रहा है, कीड़ा नजर आ रहा है, डॉक्टरों को कीड़ा नजर आ रहा है। वो डॉक्टर है भाई, उन्हें कुछ भी आ सकता है। डॉक्टरों ने कभी इनका पैर कटेगा, उसकी फैमिली जो थी पूरी तैयार हो गई, कहने ठीक है, नहीं तो ये कीड़ा फिर बढ़ जाएगा। उसका पैर काट दिया, पैर कट गया, लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं जानता। हमारी जिंदगी भी मट्टी है, नरक है, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते। पता कैसे? कर्जा, जुआ, शराब, गुटखा, तंबाकू, बुरी आदतें, लड़ाई झगड़ा, कलेश, बीमारियां, ये सारी हमारे शरीर में आ जाती है जब हम यीशु, क्योंकि यीशु मसीह इन सब से छुटकारा देने के लिए आए थे। वो धर्म परिवर्तन करने नहीं आए थे, मन को परिवर्तन करने आए थे। अब इस भाई की तो टांग कट गई, ये जानता ही नहीं था। अब टांग कट गई तो किसी ने कहा भाई, अब वो कीड़ा जो था हाथ में आ गया, यहाँ हाथ में दिखने लगा, एक्सरे कराया तो हाथ में आ गया। डॉक्टर कहने लगे हाथ भी कटे, उन्होंने कहा ये कीड़ा तो फिर मेरे पूरे शरीर में आ जाएगा। किसी ने कह दिया, पहले भी उसने कहा कई बार, तू यीशु मसीह के वहां चर्च लगता है लुधियाना में, कह रहे हम जाते हैं तू हमारे साथ चल। अरे कह रहे दुआ से कोई चीज ठीक होती है, प्रार्थना से। यही लोग बोलते प्रार्थना से, मैं भी बोलता था। मेरे को जब पास्टर ने कहा ना कि भाई विल्सन प्रार्थना में आ जाओ, प्रार्थना में चले जाओ तो सारी चीज। अब मैंने यार प्रार्थना में भी कुछ होता है, लेकिन जब मुझे पता लगा, मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, 400 रुपए किराया देता था मैं उधर, 50 साल हो गए रहते हुए, अपना मकान था वो बेच दिया, 400 रुपए किराया नहीं दे पाता था, प्रभु से दूर थे, शैतान ने पकड़ रखा था, लड़ाई झगड़े, क्लेश, बीमारियां, हानियां, कभी इस मौलवी के पास, कभी उस भगत के पास, कभी इस डॉक्टर के पास, आज बीमारी भी नहीं आती। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बात है, प्रभु यीशु मसीह जवान बना देते हैं, है कि नहीं, जब हम उसकी उसमें रहते हैं। अब क्या हुआ, तो वो क्या नहीं दे पाता, जब यीशु मसीह के पास है 9000 बिजली का बिल प्लस लगा के 15000 पहले ही दे देते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। हालेलुया, क्या बात है प्रभु की। वो ये नहीं कि बीमारी ठीक करता है, वो पूरी की पूरी बॉडी की ओवरहॉलिंग कर देता है, आपके चारों तरफ बाड़ा बांध देता है कि मेरे बेटे को दुख ना हो, क्योंकि लिखा है तरस खाया उस जवान पर, उस पर तरस खाया जो मर गया, किस पर तरस खाया, बताना किस, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसे कहा मत रो। उसे देखकर, अगर घर में बेटा शराब पीता है तो माँ प्रार्थना करे अपने बेटे के लिए, घुटने टेके। अगर शादी शुदा है तो पत्नी घुटने टेके। तो उस शराबी पर तरस नहीं खाएगा परमेश्वर, उसकी माँ पर तरस खाएगा, उसकी माँ के ऊपर तरस खाएगा। क्यों? वो जानता है खुदा कि ये उसका बेटा है और ये दुखी है, उसके दुख को देखकर उसकी शराब छुड़ा देगा, नहीं तो उसको शराब देख के नहीं छुड़ा सकता। यहाँ पर भी वो विधवा को देखकर तरस आया कि विधवा का एक ही बेटा है। तब यीशु मसीह ने उसको क्या करा, जिंदा कर दिया। ऐसी हमारे साथ है मेरे जीजू, अगर आपका पति शराब पीता है तो आप खुद घुटने टेके। अगर आपके बेटे के पास नौकरी नहीं है, आपके ऊपर तरस खाएगा प्रभु यीशु मसीह। आपके घर में औलाद नहीं है तो आपके ऊपर तरस खाएगा यीशु मसीह। आप जब प्रार्थना करेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, जब आप घुटने टेकेंगे तब वो तरस खाएगा। मेरे जीजो, आज हम जब हॉस्पिटल में कल गए थे पशुरोबिन के लिए, हमसे यही हुई प्रार्थना कि प्रभु यीशु मसीह इनकी जो कलीसिया है उस पर तरस खा और इनकी पत्नी पर, और उसे चंगाई मिल गई। हालेलुया, चंगाई उसके पास है, यीशु मसीह के पास। वो चंगाई देता है, असंभव को संभव करता है, तरस खाता है। एक बहन थी जो बीमार हो गई, बहुत सख्त, इतनी बीमार हो गई कि पूछो मत। ये बाइबल की मैंने बताया, जिंदा करने वाला यीशु मसीह, बीमारी से छुटकारा। ये 2020
1800 साल हो गए इसको बाइबल को लिखे हुए, जबकि ये घटना है, लेकिन लेटेस्ट है बलम घटी घटना है। अब बहन लेट आती हो, आप बहुत दिन बाद आती हो, कैसे खुशियां मिलेंगी, कोई बता सकता है मुझे? रोशन खड़ा होगा, कौन से स्कूल में पढ़ता है बेटे, हैं खड़े हो इतना क्या हो गया मेरे से, मैं तो तेरी ज्यादा जोर दिखाड़ा हो सकता हूँ। डेविड स्कूल में साल में एक दफा जाना, क्या होगा? छोड़ देना स्कूल को, चले जाना और कहीं घूमना फिरना, पास हो जाओगे, फर्स्ट डिविजन आएगी तुम्हारी, आएगी या जब मर्जी बसता उठाना, स्कूल में चले जाना, पास हो गए या वहां बहाना लगाओगे, देखने वाला है, हम तो ऊपर से देखते हैं, वो आप लोगों को अंदर से देखता है मेरे अजीजों, आप लोगों को अंदर से देखने वाला खुदा है, आप लोगों की जान रखने वाला खुदा है, आपको दिल और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। अगर आपने मेरे से झूठ बोल दिया कोई बात नहीं है, मैं कहूंगा प्रार्थना करूंगा, लेकिन मेरे अजीजों वो आप लोगों को अंदर से देखता है, हम लोग बाहर से देखते हैं, वो अंदर से देखता है कि आपके क्या अंदर है। हालेलुया, आप भी मुझे, आप लोग मुझे ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन अंदर से मेरा खुदा मुझे देखता है। हालेलुया, जब वो अंदर से देखता है तो फिर वो गन्ने की तरह निचोड़ देता है मेरे जीजो, बैठ जाओ बैठ जाओ। इसलिए मेरे जीजो, आप लोग जो टाइम लगा के आते हो, बहुत दिन बाद आते हो, ये वो नहीं है कि चले गए जैसे सराय होती है। आओ, मैं चाहता हूँ आपके घर से बीमारी, मैं चाहता हूँ आपके घर में खुशी, मैं चाहता हूँ आपके बच्चे फले फूले, मैं चाहता हूँ आपके जिनके औलाद नियम के औलाद हो जाए, ये नहीं है कि आए चले गए। मैं 5 साल तक कंटिन्यू जब चर्च में गया तब मुझे प्रभु मिला है, अदरवाइज ऐसे प्रभु यीशु मसीह नहीं मिलते किसी को भी, क्यों कि एक दो विचार में नहीं मिलेंगे कभी भी, एक विचार। यहाँ पर भी वही है, बल्लमगढ़ में हकीकत है ये, जाट परिवार, 5 भाई यीशु मसीह से नफरत करने वाले, भगा देते थे प्रचारक, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। अचानक उसकी बड़े भाई की पत्नी बीमार हो गई, जब पत्नी बीमार हो गई तो दवाई आ जाती है पास के डॉक्टर, पैसे वाले थे, डॉक्टर से दवाई आ गई, MBBS से आ गई, किसी से आ गई, थोड़ी दिन चलती रही, दवाई नहीं हुई और वो सूख की जा रही थी, तो पड़ोसी क्या कहते हैं ज्यादातर, क्या बोलते पड़ोसी, क्या बोलते पड़ोसी, कह रहे भाई इसको ऐसा किसी को ऊपरी चक्कर हो गया, जो दवाई असर नहीं कर रही, फिर क्या करता है आदमी, और वो फंस जाता है, फिर वो तांत्रिक के पास जाने लगता है, भक्तों में जाता है, मौलवियों में जाता है, वहां भी उसका इलाज नहीं हुआ और बीमार पड़ती चली गई। कोई परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर, वो बचाता है, तो वो कैसे बचाया, मुसीबत देके बचाता है, वो बेटा बैठा है, मुसीबत देके बचा दिया पूरे परिवार को, आज ही उसका घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आज ही उसका घराना उद्धार पाएगा, ये देखना तुम इस बात को, वो है पहले दुख देगा, कष्ट देगा मुझे ना तजुर्बा, उसने इतना कष्ट दे दिया मुझे, गन्ने की तरह कोल्हू में डाल दिया, जब मैंने घुटने टेके, जब मैं यहाँ आया तो उसने मुझे निकाल लिया, बाहों में ले लिया। हालेलुया, आपको भी बाहों में लेने वाला है, कब, जब आप उसे जानेंगे पहचानेंगे। सेल्फ इज ना होना कभी, किसी उससे मत आना उद्देश्य से, क्या प्रभु के, क्यों मैं प्रभु को मानता हूँ, वो मेरा जीवन है, जीवन देने वाला प्रभु है। अभी वो बहन हॉस्पिटल में चली गई, जब हॉस्पिटल में चली गई अपोलो, दिल्ली का सबसे बड़ा, लोग कहते हैं वहां इलाज करा दो, वहां इलाज करा दो, पर कहां इलाज होगा, जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी तो कौन हमें ठीक कर सकता है, कोई चंगाई नहीं दे सकता। भाई आप बिल्कुल ठीक है, अरे भैया एक और भाई बैठे, जी कितने साल से दौरे आते थे, 20 साल से दौरे गिर पड़ते थे, आज वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ बैठे हैं, तालियां, क्या बात है, वो यीशु मसीह। अब बताओ किसने दवाई ने ठीक करा, दवाई ने सिर्फ यीशु मसीह ने ठीक करा, और वो भी बहन वहां पर हॉस्पिटल में, अब उसका क्या हुआ, यहाँ से काटा हालत और बिगड़ गई, 1 साल 1.5 साल हो गया, 3,24,000 का बिल आ गया बहन का, उसका पति का, उसके बाद 2 बेटियां 1 बेटा 3 बच्चे,
और हालत खराब। आखिरकार डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसे लिख के दे दिया कि ये अब नहीं बचेगी। न वो चल रही थी, न उठ रही थी, न बैठ रही थी, न खा रही थी, लिक्विड पानी उसको दिया जा रहा था, टॉनिक जो दिया था डॉक्टरों ने। अब यीशु मसीह तरस खाने वाला है। यीशु मसीह बार बार आते हैं, आप लोग इग्नोर करते रहे। जब आखिर लास्ट स्टेज हो जाती है फिर वो छोड़ देते हैं। वो लास्ट मोमेंट पे काम करते हैं, ये याद रखना। जब आखिरी आ जाती है ना, बिल्कुल जब आदमी चूर हो जाता है तभी वो काम करते हैं। यीशु मसीह कब काम करते हैं? लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए। क्यों गए 4 दिन बाद वहां पर? उसे जिंदा कर दिया, क्योंकि हम उसकी महिमा देख रहे हैं यीशु मसीह की, कि वो ही देख कर सकते हैं तो हमारा दुख भी दूर कर सकते हैं। हालेलुया! जब वो ये कर सकते हैं तो हमारा दुख भी दूर कर सकते हैं। अब क्या हुआ? अब वो हॉस्पिटल से डॉक्टर ने जवाब दे दिया, घर में आ गई, रोना मत किया। अब एक दिन अचानक परमेश्वर क्या है तरस खाने वाला? वो ये नहीं है कि ईसाइयों का परमेश्वर, वो सबका परमेश्वर है। या कौन है ईसाई? क्रिश्चियन कौन है? कोई हाथ खड़ा कर दे, क्रिश्चियन है तो कोई क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन कौन है? एक जना क्रिश्चियन है। मसीह कौन कौन है? मसीह, ये लोग मसीह है, ये मसीह को जानने वाले। क्रिश्चियन वो होते हैं जो साल में एक दफा चढ़ जाते हैं। इसलिए मेरे लोगों, हम मसीह हैं। अब क्या हुआ? अब उसकी जो बहन थी, जो मिसेस थी, वो लेट आ गए, वो घर में रोना धोना हो गया। अब परमेश्वर तरस खाने वाला है, कैसे हुआ? ये हकीकत है। अब परमेश्वर तरस खाता है। अब अचानक उसका एक दोस्त सरदार था जो नहीं आता था, वो सरदार उसके घर आया। उसे पता लगी कि मेरे दोस्त की पत्नी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब वो आया, दरवाजा खटखटाया, कह रहे इंद्र जी तू क्या है? कह रहा यार मैंने सुना परजाई को जवाब दे दिया डॉक्टर ने। कह रहा बिल्कुल जवाब दे दिया डॉक्टरों ने कि ये नहीं बचेगी। तो रुमाल बांध के आया था तौलिया सरदार, वो बाहर कुर्सी डाल दी और बच्चे बेटियां उसकी वो पानी ले आई। वो कह रहा यार बात सुन, पानी वाली बाद में, तू एक काम कर, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास रख ले और प्रार्थना कर घुटने टेक के, तो ये ठीक हो जाएगी। कह रहे 3 लाख का तो बिल मैं दिया आया हॉस्पिटल में, तू छोटी सी प्रार्थना से कह रहे ये ठीक हो जाएगी? कह रहे कोई नहीं होगी। उन्हें हाथ उठाया अपने कर दिखाया, तेरे में तो कोढ़ था, कीड़े खून मवाद सारी चीज आती थी, देख कीड़े गिरते थे उसके। कर तेरे को कैसे? कर मैं यीशु मसीह के दरबार गया और वहां जो लहू मिलता है वो लगाया तो मैं ठीक हो गया, मैं वो ठीक हो गया। कर अच्छा बेटे सुन, कर सिर्फ एक छोटी सी दुआ है, यही करनी है, हे यीशु मसीह आशीष मुझ पर दया कर, ये कर ले। और बच्ची दोनों बेटियां सुन रही थी, कह रहे पापा से ये बात हो रही है, यीशु मसीह का नाम लेना, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, विल्सन के नाम में चंगाई है। हालेलुया! अब वो यीशु मसीह का नाम लोगे तो चंगाई भी जाएगी। अब क्या हुआ? वो तो सरदार को चला गया चाय पी के। अब इन्होंने घुटने टेके, घर से पहले सारा सामान हटाया, बड़ा आड़ंगा था वो सारा हटा के घुटने टेके, यीशु मसीह हमारी मम्मी को चंगाई दे दे। बेटा भी, भाई ने भी घुटने टेक लिए, फिर उनके पापा भी घुटने टेक लिए, 4 जने हो गए घुटने टेक के, यीशु मसीह मेरी पत्नी को चंगाई दे, यीशु मसीह मेरी मम्मी को चंगाई दे। फिर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम नाम ले रहे प्रभु का, यीशु मसीह का। तब उसके बाद क्या हुआ कि वो कह रहा बच्चों ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ उस टाइम, और ये टाइम हुआ था 12:15 के, 1 बजे तुमने प्रार्थना करनी है, 1 बजे की, तो मेरे को टाइम लग जाएगा, जरूरी काम से जाना है, वो इतनी दूर पहुंचा होगा भजनपुरी तक। उनकी माँ जो चलती नहीं थी, पीती नहीं थी, खाती नहीं थी, पीती नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, ऐसे डेथ पड़ी थी, और 8 दिन हो गए थे, 9वां दिन डॉक्टर ने बताया था कि ये नहीं बचेगी, वो खड़ी हो गई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! क्या वो खड़ी हो गई? खड़ी हो गई मेरे अजीजों। और लड़की ने मोबाइल उठाया, पापा पापा मम्मी ठीक हो गई है, और मम्मी चलने लगी है, जो चलने लगी 3 लाख रुपए खर्च करके आ गए, लेकिन यहाँ पर 3 दिन 1 हफ्ते की प्रार्थना में वो दौड़ने लगी, चलने लगी। वो वापस आया और कहने लगे बिल्कुल ठीक है। वो पास के चर्च में चले गए,
जब वहां चर्च में गए पास्टर को बताई गवाही कि पास्टर साहब ऐसी ऐसी बात थी, पास्टर साहब ने उनको जब ही बपतिस्मा दिया और वो यीशु मसीह को ग्रहण कर गए और आज वो बहन आज भी जिंदा। 2012 में ही आई थी, दयालपुर में आई है वो बहन, तगड़ी है वो बहन और आज वो 250 लोगों के लिए 200-250 लोग उसकी चर्च में आते हैं और उनके लिए वो प्रार्थना करती है और लोगों को नया जीवन देती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए एक और देखेंगे, मेरे जीजो, एक ही बात का ध्यान रखना, अगर आप लोग कभी कभी आते हैं और प्रभु को फिर आप अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते। हालेलुया, अभी उसने भारती ने गवाही दी थी, भारती ने क्या कहा था कि 6 साल हो गए, हकीकत में है 6 साल में पूरी फैमिली आती है यहाँ घुटने टेकती है, तब मम्मी को चंगाई मिली है और उससे पहले 3-4 लाख रुपए का खर्च हुआ था डॉक्टरों में, भक्तों में। हालेलुया, हमें कुछ करना है तो हमें यीशु मसीह के पास आना है, प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता कुछ यूं निभाओ, प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता कुछ यूं निभाओ, जितना समय मिले प्रार्थना में लगा दो, इतना असर छोड़ दो इस संसार पर, हर कोई कहे हमें भी अपने यीशु से मिला दो। हालेलुया, इसलिए मेरे अजीजों, मैं एक और गवाही थी जो 11 साल बाद औलाद हुई, 11 साल बाद औलाद होना, ये यीशु मसीह को तरस आया, लेकिन क्यों हुई, कैसे हुई, नजदीक चर्च, पत्नी घुटने टेकती थी जाके, चर्च में जाती थी, छोड़ दिया हमने सब कुछ और उसने घुटने टेकना शुरू कर दिए और 11 साल बाद प्रभु ने उसे भेज, जबकि उसके ससुराल वाले और भी लोग थे, कह रहे थे इसे छोड़ दे, नहीं, उन्होंने कहा नहीं, उसका पति कह रहा था नहीं, हम किसी ने बताया तुम यीशु दरबार चले जाओ, जब वो वहां गई और घुटने टेके और ये जीजस कॉल की गवाही है मेरे जीजो, जब वो चर्च में गई है तो परमेश्वर ने उसे 11 साल बाद औलाद दी, कब थी, ये नहीं कि आज आ गए, आज कल चले गए, आज आ गए, एक 4 हफ्ते छुट्टी कर ली, छुट्टी, अगर आप लोग, कौन है प्राइवेट काम करता है, जो प्राइवेट नौकरी करता है, कोई करता है, भगवान करता है क्या, मतलब डेली के 400 रुपए मिलते हैं, चलो मतलब 400 ही पड़ते हैं ना तनख्वाह, मान लो अगर तुम्हें 1 हफ्ते के बाद जा रहे हो, 1 हफ्ते छुट्टी करके, तो जैसे 20,000 तनख्वाह, तो 20,000 पूरी मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, कट के मिलेगी ना, मालिक काट लेगा, ऐसी हमारा यीशु मसीह, वो आशीष रोक लेता है, वो फिर आशीष नहीं मिल सकती किसी को भी, गारंटी है ये, वो आशीष नहीं मिल सकती, वो मालिक है, हकीकत है वो मालिक है, इतना बड़ा मालिक है वो उसकी मर्जी पूरी होती मेरे जीजो, वो बेटी बैठी है, वो आती रही दुआ करी, सिर्फ प्रभु की दासी से कहा कि मुझे बेटा चाहिए और बेटा ही दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो असंभव को संभव है, जब हमें कोई रिश्ता नहीं, हमारा भी कोई रिश्ता नहीं, हमें हमारी माँ गुजर गई थी, देखो ये हकीकत है, लोग बात तो यहाँ प्रभु को ऐसे छोड़ दे, छोड़ो यार चल देते कहीं भी है कि नहीं, हमारी माँ गुजर गई, मैं खुदा में नहीं था उस टाइम, दूर था प्रभु यीशु मसीह से, तो मम्मी गुजर गई तो पता लगा, तो हम तैयार हो गए जाने के लिए जयपुर, तो पास्टर रोबिन वो यहाँ रहते थे घर पे, तो हम कह रहे गाड़ी हमने कर लिया, हम गए बुलाने, कह रहे पहले रुक जाओ माँ, बाद में पहले ये लोग हैं मेरे, पहले खुदा है मेरा, ये लोग हैं, इनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा जब जाऊंगा, ऐसा व्यापार ऐसा होना चाहिए, ये लोग संडे कोई बात नहीं चल दो, और खुशियां नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें घुटने टेकने, कोई रिश्तेदार किसी का नहीं हो सकता मेरे जीजो, हकीकत यही है, यही एक कमी है हमने, क्या है, फॉर्म नहीं होती,
हमें वो है। अभी हम जहाँ से जाते हैं वो सरदार है, क्या नाम है उनका, घबाना लबाना है, लबाना 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 है, उनकी भी बहुत बड़ी गवाही है। जब तो खुदा मिलता है, जब तो सारी आशीष आती है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या, छोड़ दे सारी चीजें, छोड़ दे संसार को, तू मेरे पीछे वाले, मैं तुझे सारी आशीष दे दूंगा, है कि नहीं। ऊपर चर्च लग रहा है, नीचे माँ की डेथ हुई, सरदार उसके भाई कह रहे चलो जी, खेलेंगे 2 बजे के बाद ही मिट्टी उठेगी, 3 बजे के बाद, 3 बजे चर्च खत्म होगा, उसके बाद मैं अपनी माँ की अर्थी को ले जाऊंगा, अदरवाइज नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो उसने मुझे दिया है, जो भी कुछ है मेरी जिंदगी उसने मुझे दी है, पहले वो है मेरी जिंदगी में। अगर हम पहले किसी और को रखेंगे तो हमारे पास आशीष बरकतें नहीं आएंगी मेरे लिए, हालेलुया, आई नहीं सकती आशीष बरकतें। इसलिए 10:30 का चर्च है, 10:30 बजे आने वाले संडे से 10 बजे का चर्च हो जाएगा, 10 बजे से फिर जो भी टाइम लगेगा 10 बजे हमारी प्रार्थना शुरू हो जाएगी मेरे जीजू। अब तो 10:30 होती है, टाइम काफी हो जाता है। आइए वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत दे। इसलिए मेरे जीजू प्रभु को जाने, उसे पहचाने, मेरे को नहीं। आप ये ना सोचें भाई विल्सन मसीह के चर्च जा रहे हैं, मेरा चर्च नहीं है, मेरी जगह नहीं है, मैं तो मेरा गुजर